गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। चौरी चौरा कांड शताब्दी वर्ष समारोह में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्मारक स्थल पर किया पुष्प अर्पित, वीर अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वंदे मातरम के माध्यम से अमर शहीदों को किया नमन। 4 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम में भू माफिया के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित को मुख्यमंत्री ने 1 घंटे के भीतर दिलाया न्याय, अवैध कब्जा को हटवाकर पीड़ित को दिलाया उसका भूमि, फरियादी ने मुख्यमंत्री को जताया आभार। चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल शुभारंभ, लखनऊ से जुड़ी रही महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चौरी चौरा में मुख्यमंत्री रहे मौजूद, प्रधानमंत्री ने जारी किया डाक टिकट, भोजपुरी भाषा से किया अपने भाषण का शुभारंभ, कहा 1922 में चौरी चौरा के थाने में ही नहीं बल्कि जन जन के दिलों में हो चुकी थी प्रज्वलित आग। 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जनता दर्शन में सुनी फरियादियों की फरियाद, संबंधित अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के दिए आदेश। चौरी चौरा कांड के शहीदों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित, कहा देश की आजादी में प्राणों की कुर्बानी देने वालों को दुनिया करेगी याद। गोरखपुर विश्वविद्यालय में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में चौरी चौरा स्टडी सेंटर खोलने की घोषणा। चौरी चौरा कांड शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिव्यांगजनों में किया मोटराइज्ड ट्राई साइकिल का वितरण, कहा मोटराइज्ड ट्राई साइकिल से दिव्यांगजनों को सफर में मिलेगी सहूलियत, बन सकेंगे आत्मनिर्भर। चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के तहत मंडलीय कारागार स्थित अमर शहीद पंडित राम प्रसाद विस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि, वंदे मातरम के साथ शहीदों को किया गया नमन। कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के 5वें दिन जिले में कुल 35 अस्पतालों के 41 बूथों पर 3,270 स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया टीकाकरण, 1,073 पुरुष और 2,023 महिलाएं टीकाकरण में रही शामिल, सीएमओ ने कहा वैक्सीनेशन का नहीं है कोई भी दुष्प्रभाव, पूरी तरह से है सुरक्षित। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लगभग 100 एनसीसी कैडेट्स ने वाकथान कार्यक्रम में किया प्रतिभाग, आरटीओ अनीता सिंह द्वारा वाकथान को हरी झंडी दिखाकर एनसीसी कैडेट्स को किया रवाना, दिलाई सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की शपथ। चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आयोजित हुआ दीप उत्सव कार्यक्रम, अमर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले मात्र 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,419, अब तक 359 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 85 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। कोविड टीकाकरण के प्रथम चरण के 5वें चक्र के लिए जारी की गई 4,718 लोगों की सूची, 41 बूथों पर 3,270 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया टीका, 70% हुआ टीकाकरण, स्वास्थ्य कर्मियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, शुक्रवार को दूसरे चरण के पहले दिन मंडलायुक्त और जिलाधिकारी का जिला अस्पताल में होगा टीकाकरण। और लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी राज्य स्तरीय प्राइज मनी क्रिकेट प्रतियोगिता का होगा 14 फरवरी से आगाज, विजेता टीम को 75,000 और उप विजेता टीम को मिलेगा 50,000 का नगद पुरस्कार।